एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा आपके घर पर। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही बढ़िया वाला वीडियो लेकर आई हूं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो भगवान शिव का अभिषेक जो है ना, मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है और अलग अलग मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए। तो कच्चे दूध से जब हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो कच्चे दूध से अभिषेक करने से हमें पुत्र की प्राप्ति होती है और हमें सुख सुविधाएं मिलती हैं, सुख मिलता है, इसीलिए कच्चे दूध से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद चलिए शेयर करती हूँ दही की बात। तो दही से अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो हमें वाहनों का सुख मिलता है। आजकल तो देखिए गाड़ियाँ वगैरह चल गई हैं, पहले के ज़माने में घोड़े वगैरह चलते थे। तो मतलब अगर दही से हम भगवान शिव का अभिषेक करते थे ना तो हमें घोड़ों का सुख होता था, लेकिन आजकल जो हम भगवान का शिव का अभिषेक करते हैं दही से तो हमें गाड़ियों का कुल मिलाकर मत जो है कि वाहनों का सुख आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बढ़िया सी गाड़ी हो तो भगवान शिव का आप दही से अभिषेक कीजिए पूरे सावन के महीने में, तो भगवान ने चाहा तो ये सुख जो है ना वो आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे लोग अब मुझसे पूछने वाले हैं, मैडम ये छोटा छोटा सा दिख रहा है ना, मिट्टी की छोटी छोटी सी मूर्तियाँ, ये क्या है? क्योंकि बड़ी मूर्तियाँ तो अलग दिख रही हैं, छोटी छोटी सी भी दिख रही होंगी आप सभी को। तो यहाँ पर वीडियो में थोड़ी सी लाइटिंग कम है तो थोड़ा सा कालापन दिख रहा होगा आपको। तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, इसको रुद्री बोला जाता है। तो ये इस हिसाब से बनाई जाती हैं, कुछ लोग 1.25 लाख बनाते हैं, कुछ लोग 108 बनाते हैं, तो अपनी अपनी मन्नतों के हिसाब, कुछ लोग बनाते हैं अनगिनत। तो यहाँ पर जो है ना अनगिनत बनाई जा रही हैं। तो इस तरह से बनाने से क्या होता है, इन्हें क्या है, भगवान शिव के गढ़ माना जाता है रुद्री को, इसीलिए इनको रुद्री बोला जाता है। तो ये भगवान शिव का ही रूप होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हो रहा है गन्ने के रस से अभिषेक। गन्ने के रस से अभिषेक का मैंने आपको पहले बताया था, वीडियो इसका अपलोड किया हुआ है पूरी विधि विधान से। तो अगर आप गन्ने के रस से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। सावन का महीना भगवान शिव के लिए बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है, उनकी पूजा पाठ के लिए। तो अगर आपके यहाँ लक्ष्मी की कमी है तो आप भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, हो सके तो डेली कीजिए, आपको बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, आपके घर में लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर देखिए बड़े रूप में पूजा हो रही है, यहाँ पर देखिए नर्मदेश्वर भगवान की पूजा की जा रही है। आप लोग वीडियो में अच्छे से देख पा रहे हैं कितने प्यारे शिवलिंग हैं यहाँ पर, बहुत प्यारे शिवलिंग थे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरी जगह भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, रुद्र अभिषेक किया जा रहा है, जो कि कच्चे दूध से जल मिलाकर किया जाता है, जो कि मैंने कई बार आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है। तो ये जो होती है ना छोटी छोटी जानकारियाँ ना हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव कर देती हैं, इसीलिए ये सारे वीडियो जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए आपको सारे ब्राह्मण दिख रहे होंगे, ये भी ब्राह्मण यहाँ पर महामृत्युंजय का जप कर रहे हैं। तो आप चाहें तो सावन के महीने में इस तरह से बड़े रूप में भी इस तरह से महामृत्युंजय का जप करा सकते हैं, भगवान शिव की पूजा पाठ करा सकते हैं, जो कि 7 या 11 दिन का भी होता है। तो जिस हिसाब से आप कराना चाहते हैं उस हिसाब का होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आप नहीं करा सकते, तो आप अपने घर पर स्वयं कर सकते हैं। मैंने इस बारे में बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, छोटी छोटी सी जानकारी आप लोगों को देने की मैंने कोशिश की है अपने वीडियोज़ में। और इस तरह से महामृत्युंजय का पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए सभी लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी कभी बड़ी पूजा आप अपने घर में कराएं तो अपने परिवार वालों को जरूर आमंत्रित करें, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, जो कि मैं इस बात को आप लोगों के साथ कई बार शेयर करती हूँ, अगर किसी को सुनने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी ना, इसीलिए मैंने इस बार फिर रिपीट की है। अच्छा लगता है परिवार अगर पूजा पाठ में सम्मिलित हो ना, तो पूजा में जो है ना वो रौनक बढ़ जाती है बहुत। अब आपको मैं बताऊंगी कि घी से अभिषेक करने से क्या प्राप्त होता है, आपको घी से अभिषेक हमें क्यों करना चाहिए। अगर आप सावन के महीने में अगर डेली, अगर आपको रोज इतना वक्त नहीं मिलता तो हर सोमवार को आप भगवान शिव का घी से अभिषेक कर सकते हैं। घी से अभिषेक करने से आपके घर की वंश की वृद्धि होती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे वंश वृद्धि क्या होती है। इसके बाद अगर आपके घर में किसी को लंबे समय तक अगर कोई रोग लगा हुआ है, कोई बीमारी अगर उसको है, तो वो बीमारी भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, आपके घर की आरोग्यता बढ़ती है और रोग जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, इसीलिए घी से
कुछ लोग बोलने वाले हैं कि दीदी हमें तो मंत्र आते ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे। तो आपको अगर आपको मंत्र नहीं आते तो आप महामृत्युंजय का यहाँ पर जप कर सकते हैं और नमः शिवाय का जप करते हुए इसी तरह घी से आप अपने घर पर अभिषेक कर सकते हैं। तो इस तरह से कर लीजिए। मैंने बहुत सारा तरीका आपको अपने वीडियोस में दिखा दिया है और बहुत मेहनत से जो है ना हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते हैं। पूजा करते समय भी देखिए पंडित जी आप लोगों के लिए इस तरह से वीडियो बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो तो सभी का इतना सहयोग रहता है कि यहाँ पर वीडियोज़ बन जाते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ हम कुछ ना कुछ अच्छा शेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से सारे वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिले। जब भी आप वीडियोज़ देखें तो आपको मतलब व्यर्थ ना जाए आपका वीडियो देखना, हमेशा कुछ ना कुछ आपको वहां से सीखने के लिए मिले, इसीलिए सारी वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। उसके बाद देखिए शहद से भगवान शिव का अभिषेक क्यों किया जाता है। शहद से अभिषेक करने से हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बीमार चल रहा है तो उसके लिए अगर शहद से अभिषेक करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से भी आपको राहत मिल सकती है अगर आप भगवान शिव का शहद से अभिषेक करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस तरह से आप भगवान शिव का शहद से अभिषेक कर सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की अगर किसी को बीमारी है तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, बहुत जल्दी उसको इससे राहत मिल जाएगी। अंत में आप लोगों के साथ एक बात ज़रूर शेयर करूँगी, पूजा पाठ जो है ना वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। पता नहीं कौन से बुरे वक्त में हमारी ये पूजा पाठ आगे जाके काम में आ जाए, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा जो है ना भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और थोड़ी थोड़ी पूजा अपने घर में हमें करते रहना चाहिए। भले ही हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त तो देखिए किसी के पास नहीं होता, वक्त जो है ना वो निकालना पड़ता है। अगर आप एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना कि बेटा ये काम कर दे तो वो भी पता है उसका भी एक जवाब होगा आज के समय में कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम तो देखिए किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। तो भगवान के लिए आप भले ज़्यादा टाइम अगर नहीं निकाल सकते तो थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर सुबह पूजा नहीं कर सकते तो शाम को कर लीजिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए और थोड़ी थोड़ी पूजा जो है ना जीवन में करते रहना चाहिए। पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, पता नहीं कौन से बुरे वक्त में ये पूजा जो है ना हमारे काम में आती है। तो इस तरह से आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद शेयर करूंगी शक्कर से अभिषेक करने से क्या लाभ होता है। यहाँ पर देखिए शक्कर से अभिषेक किया जा रहा है, तो शक्कर से अभिषेक करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और जिन लोगों को लक्ष्मी की प्राप्ति अगर करनी है तो वो शक्कर से अभिषेक करना कर दीजिए शुरू। सावन के अभी थोड़े दिन और बचे हुए हैं तो आप इस तरह से शक्कर से भगवान शिव का अभिषेक ज़रूर करें। अगर इस सावन के महीने में अगर आप पूजा पाठ इतना नहीं कर पाए हैं तो मन बिल्कुल भी छोटा ना करें। नेक्स्ट टाइम जब सावन का महीना जब आए तो इस तरह से पूजा ज़रूर करें। जिस कामना की आपको प्राप्ति आप करना चाहते हैं, जो फल आप पाना चाहते हैं, उस हिसाब से भगवान का अभिषेक आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। यहाँ पर देखिए किस तरह से भगवान शिव का शक्कर से अभिषेक किया जा रहा है और मन में आप नमः शिवाय का जप कर लीजिए। अगर आपको महामृत्युंजय का अगर जप आता है तो आप उसे भी जप सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिए और इस तरह से देखिए भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है शक्कर से। सगों जिकै सोमता बाहू चतुर्धन वाधिता बृहस्पते वरदि रथेन रक्षो हामिद्रान पवादमान प्रभंज सेना प्रमिणो युधा जयन्न सुम जविता रथानां मा बल विनायस्त विरह। अगर आप अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, वाहन का भी सुख चाहते हैं
और लक्ष्मी की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं, निरोग अगर आप रहना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो मैंने अलग अलग चीज़ें आप लोगों को बताई है उनसे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। भगवान ने चाहा तो ये सारी मनोकामना जो है ना आपकी पूरी हो जाएंगी, जिस मनोकामना के तहत आप भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान शिव का सहस्य अभिषेक किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण सूचना थी अभिषेक की, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँ, ताकि देखिए जिसके मन में जो मनोकामना है वो अपनी मनोकामना के तहत इस प्रकार भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए भगवान की मूर्ति देखिए सजने के बाद कितनी प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लग रहे हैं पार्थिव शिवलिंग। बहुत सारे लोग पूछते हैं पार्थिव शिवलिंग की किस तरह से विसर्जन किया जाता है, तो डेली देखिए डेली नए शिवलिंग बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बना लिए और रोज़ उनकी पूजा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। रोज़ नए शिवलिंग बनाए जाते हैं, यानी शिव परिवार डेली बनाया जाता है और डेली पूजा के बाद उनका विसर्जन किया जाता है, यही नियम रहता है। तो इस तरह से आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे वीडियोज़ हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, और आने वाले समय में भी आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हम लेकर आने वाले हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, और हमेशा मुस्कुराते रहिए और कोशिश हमेशा करती रहिए। अगर मन में आपकी कोई इच्छा है ना, तो उस इच्छा को पाने की पूरी कोशिश कीजिए। भगवान ने चाहा ना तो वो बहुत जल्दी आपकी हो जाएगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, राधे।